टोटो नहीं आ रहा है, टोटो ना, टोटो ही बोलता है ना, हाँ टोटो नहीं आ रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। तो खड़ा होके मतलब रेडी होके, खड़ा होके बोल रही हूँ, रेडी होके खड़ा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब तैयार होने के बाद लगता है चलो चलो जल्दी जल्दी फटाफट जहाँ जाना चाहते हैं, शादी घर या तो फिर कहीं पे, तो लगता है तुरंत चले जाएं। लेकिन यहाँ पे हम लोग खड़े होके कम से कम 10-15 मिनट से यहाँ पे खड़ा है, लेकिन वो टोटो वाला, यहाँ पे टोटो रिक्शा बोला जाता है उसको, तो टोटो वाला आ गया। हाँ, आ गया, आ गया। चलो चलो चलो। जल्दी जल्दी निकले की ताकि जल्दी जल्दी लौट के आए, लेकिन देखिए यहाँ पे टायर पंचर हो गया है। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे और हवा चल रहा है बोर्ड बहुत, पूरा खुला हुआ खेत है ना, चारों तरफ खेत है इसलिए हवा भी बहुत चल रहा है लड़ाका। हाँ हाँ, देखिए तो ब्यूटीफुल नज़ारा का मज़ा आप लोग भी लीजिए, नहीं मिलता है ना मौका ऐसा। तो हम सुरभि आज भी आए हैं, हम मामा का घर जा रहे हैं, मेरे मामा का घर। तो बस मिडिल रास्ता में मतलब आधा रास्ता आए हैं और वहाँ पे बस हो गया है। तो चलो मैं सोचा चलो ब्लॉग एक बार कर लेते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि ये नज़ारा देखिए ना, यहाँ पे ना जो खेत है ना, यहाँ पे वो खेत जो फसल है वो काटा गया है इसीलिए खाली खाली दिख रहा है, नहीं तो पूरा गोल्डन गोल्डन लगता तो बहुत और भी खूबसूरत लगता, अच्छा लगता। और अगर बरसात के मौसम होता तो पूरा ग्रीनरी रहता, तो ग्रीनरी है। और अभी सरसों, अभी ना सरसों लगेगा और गेहूँ, सरसों और आलू सब्जी, विंटर का जो सब्जी होता है वो लगेगा, तो अभी यहाँ पे नहीं लगाया गया। हेलो, कैसा लग रहा है? को दूध खा रहा, वो पी रहा, पी रही है अलीसा, दूध पी रही है। गाड़ी को पानी चढ़ रहा है इसलिए बेबी खिला रहा, दूध खिला रही है अलीसा, बेबी दूध पी रही है। यहाँ पे बहुत हवा चल रही है, चारों तरफ बहुत मतलब खुला हुआ खेत है यहाँ पे, तो हवा भी चल रहा है और क्या ठंड भी लग रही है और मजा भी आ रहा है। अचानक से ऐसा कुछ होता है तो बताओ क्या हुआ है, टायर क्या हो गया है? टायर फिस फिस हो गया है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, फिर लो छोड़ दिया। चल आई गाड़ी, जाए गाड़ी, जाए गाड़ी, जाए चारों तरफ। टोटो में बैठे बैठे हुए हैं, आप लोग भी आ जाइए टोटो में। हम लोग तो आप लोग भी आ जाइए।
और हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं। तो फिर टोटो ठीक हुआ, टोटो ठीक होने के बाद आज तो इतना मतलब पता नहीं ऐसा किया, मतलब बहुत टाइम लगे था। हम लोग निकले थे सुबह सुबह ताकि जल्दी से पहुंच जाए और लौटते टाइम ना मतलब उतना टाइम ना लगे, क्योंकि कल सुरभि का मायके गई थी तो वहाँ पे लौटते लौटते रात हो गया था। पर टोटो ही ख़राब हो गया तो उस चक्कर में थोड़ा लेट ही हो गया। और बहुत दिन बाद में आई हूँ यहाँ पर, देखिए सबसे मिल रही हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वीडियो हो रहा है बोल के सब पीछे में खड़ा है, कोई वीडियो में नहीं आ रहा है। तो आएगा धीरे धीरे, आप लोग देखिएगा। और भी आगे व्लॉग में है सब, सबको मैं सबसे मिलवाऊंगी आप लोग से। और अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, और टोटो वाला भैया भी ना वो भी रुके हैं, क्योंकि वो हमारा देखिए ससुराल का है, मतलब गाँव का ही है, तो लेते मतलब हम लोग को लेते जाएगा। तो रुके हुए हैं वो भैया, और मतलब कल भी गए थे तो वही वाला भैया लेके गए थे, तो वो भी वहाँ भी रुके हुए थे, यहाँ भी। तो वो टेंशन ख़त्म होता है, ख़त्म हो गया है, मतलब कौन लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा इस चक्कर में ऐसा है। और देखिए तो इनको भी नाश्ता दिया जा रहा है, और फिर नाश्ता करके उधर एक मेरा आप ही का घर है, उनका भी घर जाएंगे, तो आप लोग को भी ले चलेंगे। ठीक है, ए पड़े जा भी इधर इधर जाओ, गिर जाओ तो उधर मत जाओ। तन्हा तन्हा इधर, तन्हा हाई करो। अरे लोग बंदर को देख कैसे कर रहे हैं, मंकी मंकी को देख कैसे कर रहे कि एक है ना अच्छी। और बाबू के साथ जो खेल रहा है वो आप ही का छोटी बेटी है, और अभी जो मैं बात कर रही हूँ ये है मझली बेटी। और छत पे चढ़ गए हैं, और यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा भी चल रहा था, और तेजी तेजी सा धूप भी था, तो ठंडा और गर्म इस चक्कर में मतलब थोड़ा सा बैलेंस भी हो रहा था। और वो उधर ना साइड में एक अमड़ा, पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो उसका पेड़ था, और इतना लालच लग रहा था दिखने में, वो एक्चुअली खट्टा होता है खाने में, तो लालच लग गया। तो फिर मेरा जीजा जी को बोले कि थोड़ा सा तोड़ के दीजिए, वो खाना है ऐसा ही। तो खट्टा में तो लालच होता ही है लड़की लोग को, आप लोग को पता है, लड़की सब ज़्यादातर लोगों को मतलब खट्टा में लालच लगता है। और यहाँ पर बच्चे लोग भी खेल रहा है कि मतलब जो आप ही का छोटी बेटी है उनके साथ बाबू खेल रहा है। फिर सुरभि वो जो कि है अभी कैमरा पकड़ी हुई है, हम लोग का वीडियो बना रही है, तो वो उनको भी बोल रही हूँ कि आ जाओ इधर पे, आ जाओ साथ में बातें करेंगे, वीडियो वगैरह करेंगे। और लो जी सुरभि भी आ गई, और चाय पिए, चाय वाय पी लिए, और बहुत देर तक हम लोग घंटों तक बातें किए थे। फिर घंटों तक बातें करने के बाद बोले कि चलो अभी लंच भी कर लेंगे, तो लंच करते करते 3:30-4 ऐसे ही हो ही गया था, और लंच करने के तुरंत हम निकल गए थे। तो हुआ क्या था, मतलब चार्जिंग वगैरह नहीं लेके गए थे, और वहाँ पे ना वो मेरे जो फ़ोन का चार्जर जो है वो नहीं था, तो बस चीज चक्कर में ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। थोड़ा मोड़ा जो इसके बाद जो वीडियो बना हुआ था, वो जो ये मो इनका नाम है, तो इसका भी मोबाइल से मैं बोली कर ले, फिर व्हाट्सएप में भेज देना, तो बस ऐसे ही हुआ था। मैं हूँ यहाँ पे बैठी, अकेले बैठी हूँ, वो लोग नीचे गया है क्योंकि बच्चा लोग बहुत ही बदमाशी कर रहा है। तो सुरभि बोले चलो देख लेते हैं बच्चा लोग को, और अलीसा भी उठ गई है, मतलब वो सोई थी तो वो उठ गई है, तो उसको लेने गई है। सुरभि रो रही थी, और बाबू खेल रहा है नीचे। हाय तन्हा, आपका नाम बताओ। तन्हा और खाना वाना खा के तैयार होके अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो एक सेल्फी बनता है ना, तो बस वही हम लोग सेल्फी खींच रहे हैं। के जाबो
तो बस फ्रेंड हम लोग निकल गए हैं और आज का वीडियो भी मैं यही पेंट करती हूँ। होप कि आप लोग को पसंद आया है। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।